सोलन में मां सुलनी सेवा दल 4 वर्षों से निरंतर सामाजिक भलाई के कार्य निस्वार्थ भाव से कर रहा है, जिसमें सबसे अहम बात यह है कि जो बच्चे शारीरिक तौर से अक्षम, अल्प विकसित, गूंगे, बहरे और अंधे हैं, उनके लिए निशुल्क चिकित्सा शिविर लगा रहे हैं। इस बार शिविर 5 अगस्त को सुलनी मंदिर परिसर में लगेगा। शिविर में अक्षम बच्चों का इलाज तो किया जाएगा, साथ ही उन्हें निशुल्क दवाइयां भी उपलब्ध करवाई जाएंगी, जिसमें अक्षम बच्चे न केवल सोलन से बल्कि हिमाचल के साथ पड़ोसी राज्यों से भी अपना इलाज करवा सकते हैं। अधिक जानकारी देते हुए मां सुलनी सेवा दल के अध्यक्ष सुशील चौधरी ने बताया कि आने वाले 5 अगस्त को सुलनी मंदिर परिसर में एक कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शारीरिक तौर पर अक्षम लोगों निशुल्क चिकित्सा सेवाएं दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि भारत के जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर सुरमित सिंह मावी इस कैंप में अपनी बहुमूल्य सेवाएं देंगे। उन्होंने लोगों से अपील की है कि यदि किसी के आसपास ऐसे बच्चे हैं तो उन्हें इस कैंप के बारे में जानकारी दें, ताकि वो समय रहते इस कैंप का लाभ उठा सकें। मां सुलनी सेवा दल द्वारा आने वाले 5 अगस्त को, दिन रविवार को, मां सुलनी मंदिर परिसर में एक मंदबुद्धि बच्चों के लिए मुफ्त चिकित्सा शिविर का इंतजाम किया जा रहा है। जिस ये शिविर होम्योपैथिक शिविर होता है और इसमें जलंधर से डॉक्टर सुरमित मावी, डॉक्टर अवतार मावी और उनकी टीम यहाँ पर बच्चों का चेकअप करते हैं और उन्हें मुफ्त में दवाइयाँ सुलनी सेवा दल द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। और इसमें अब तक तकरीबन 150 के करीब मंदबुद्धि बच्चे या विकलांग बच्चे इस तरह से इनका फायदा ले चुके हैं। हमारा आपके माध्यम से ये निवेदन रहेगा कि किसी के भी जो ये खबर सुने, जिनके परिवार के आसपास कोई ऐसे बच्चे हो, तो उन्हें मां सुलनी मंदिर परिसर सोलन में जरूर भेजें। दिन रविवार सुबह 10 बजे से 2 बजे तक ये कैंप होगा।